दी है। अंग्रेज राम ने जनहित की 10 तारीख को दुनिया को दर्ज दी थी, एक दुनिया वाले आ जाओ, एक भी सच में खड़े हो गए। मैं जो आया न बंदा रहा न बंदा नवाज, अंग्रेज राम ने दुनिया को दर्ज कर दिया तुमने कोई काला नहीं, गोरा नहीं, अरबी नहीं, अजबी नहीं, कोई नहीं है, तुमने वो सबसे बड़ा है जो अल्लाह की इबादत करता है, गरीबों पे लुटाता है, मुश्किलों की मदद करता है, बेशारों की मदद करता है, वो तुम्हें जो बड़ा है जो अल्लाह को याद करता है। ये पैगंबर इस्लाम की है। पैगंबर इस्लाम ने कहा ना कोई जो शेख है, ना सैयद है, ना मुगल है, ना ब्राह्मण है, ना मेघवाल है, तुम्हारी सब अलग 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 जाते हैं, हमारी एक ही जात है, एक ही जात है, वो है हमारा बाप का नाम आदम, माँ का नाम हव्वा। हम सब अलग अलग शाखाओं में बैठे हुए हैं, अलग अलग तब्दीलियों में बैठे हुए हैं, हमारा एक ही वजूद है। मेरे अजीज साथियों, मेरे भाइयों, आज समय की नजर को देखता हुआ एक ही बात कहता हूँ, आप एक्टिव रहिए, जागरूक रहिए, अपने काम को बैठ किए और मेरे नंबर लीजिए, आपका हर काम के लिए, हर काम के लिए हमेशा आपके लिए हाजिर हूँ। जहाँ तक का है मेरे भाई, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे नवाजा नहीं, अल्लाह ने मुझे नवाजा, आप सबकी दुआओं का सच्चा है। मैं तो यही बैठा हूँ, मैं तो यही बैठा था जब कुछ ना था तो लोग जानते नहीं थे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के शुक्र से, आप सबकी दुआ से मुझे नवाजा गया है। मैं आपके हमेशा सुख दुख में तैयार रहूंगा। राजस्थान में कहीं जगह अपने कौन के लोग रह रहे हैं, चाहे किसी भी मसले में हो, आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं यही कह रहा हूँ आप भाइयों, अजीज साथियों, मैं तो अकेला ही चला था जानी में मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारोबार बनता गया। आप लोगों का हौसला देखकर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है। नागोरी तेलियान के सभी जमात के लोगों को, जावेद भाई साहब, हाफिज साहब, जहां की या जमात को मैं दिल की गहराइयों से बार 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 मुबारक देना चाहता हूँ कि आपने वो काम किया है जो नागोरी तेलियान के लिए एक होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप सब एक्टिव और जागरूक रहिए, इंशाअल्लाह ताला आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप इलम सीखिए, इलम एक नूर है, इलम एक रोशनी है। ये प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये किसी नहीं है। आप देखिए जिस कौम का कोई वजूद नहीं था, जिस कौम का कोई नहीं था, उस कौम ने अपनी कलम को दिल से लगाया, मोहब्बत की कलम से आज ये दुनिया का सरकार बन गया है। जिस कौम ने गुमराही की, जिस कौम ने गुमराही की, वो आज बर्बादी की दौर में है, जाहिलियत की दौर में है, गुर्बियत की दौर में है, हालातों की दौर में है, झगड़े में दौर में है, कचहरी भरी हुई पड़ी है।